क्या करने आया था, क्या हो गया? मुझे जानता है बट मैं तो नहीं पहचान रहा था, लेकिन अपने पास लाइफ में काम ही काम है। सुबह उठो, मतलब ये डेली का रूटीन है कि सुबह उठो, मछलियों को दाना दो, क्योंकि वो लोग भी दिन भर पूरे भूखे रहने से अच्छा उनको मॉर्निंग में खाना दाना दे दो, अगले मॉर्निंग तक खुश हो जाते हैं। उसके बाद अपना अपने लोग का भी वही हाल है कि हमें डेली ब्लॉग दे दो, हम आप लोगों के लिए बना दें तो आप लोग खुश हो जाते हैं। बस ये सब सीन लगा रहता है, आपसी का सीन है, आपसी में ऐसे करने से बॉन्डिंग बनी रहती है। और मैंने सोचा बता दूं, और रात में क्या हुआ था, बालों में ऑयल लेके जंपी कर लिए थे हम, तो बाल वैसी के वैसे ही, और अभी तक नहाए नहीं है। और अभी का टाइम भी हो गया है, एक बज गए और नैना जी शॉप चली गई हैं, मैं अभी तक घर में हूँ। मैंने सोचा था कुछ कर लूँगा, लेकिन अपने पास तो कुछ रहता ही नहीं है। और कल नैना जी घर में रुकी थी तो ये टेबल भी साफ कर दिए, अब कुछ नहीं है। अब अपन भी तैयार होते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और बस निकलते हैं, ठीक है? क्योंकि बाल में ऑयल लगा है तो बाल भी धोना ज़रूरी है, वरना स्मेल अलग आता है ऑयल का। तो बस अब तैयार हो गया हूँ मैं। तैयार होने पे मेरे को करीबन कितना देर लग गया, आधा घंटा लगा, और पूरा का पूरा मैं रेडी हो गया। लेकिन पता नहीं अभी भी शक्ल ऐसी क्यों लग रही है कि मैं नहाया नहीं हूँ, लेकिन मैंने नहाया है यार। अब वो बचपन में करते थे ना, जा छू क्या गीला है कि नहीं कौन 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 करता था एक बार बताइएगा। बाकी अपन तो फुल बचपन वाले वाइब्स जो मिलते थे ना, उसको याद करके आज भी हंसी आती है, मतलब बचपन में क्या क्या चीज़ें करते थे। ठीक है, अभी बड़े हो गए तो आप लोग अभी चल, वीडियो शुरू ही हो रही है तो मैं अब आप लोगों से एक बार पूछ भी लेता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्ती रहना है। और अब चल रहा हूँ मैं सीधा शॉप जाऊँगा या कहाँ जाऊँगा, आप लोग रहिए वीडियो में। स्कूल जाऊँगा, स्कूल जाने के बाद फिर जाऊँगा शॉप, तो शॉप के बीच में जो भी होगा पता चलेगा आप लोगों को। बस आप लोग रहिएगा, और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलो बाय। मुझे ना कल से याद है, परसों से बोल रहा हूँ कि फ्यूल अप कराना है, लेकिन यहाँ पे तो एक भी गाड़ी बना ही बंद हो गया। चलो पहले फ्यूल अप करा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, वरना लोग बोलेंगे कि सुपर बाइक रख के भी आदमी पेट्रोल नहीं डला पाता है। चलो मैंने दोपहर के वक्त में ही वीडियो अपलोड की थी, पब्लिश की थी, उसमें आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे ना, आप लोग बता रहे थे कि मेरे वीडियोस के थ्रू में बस्तर को अच्छे से देखने का मौका मिलता है, तो उसके लिए थैंक यू। वैसे मेरे को लगता है कि जितनी ऑडियंस हमसे कनेक्टेड है उन्हीं को लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, बाकी ऑडियंस बाकी लोगों को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जिससे हम कनेक्टिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग हैं सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी अपन चलते हैं, अभी फ्यूल अप करा लेते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं। देखना ये है कि अब इसमें कितना फ्यूल आता है, और फुल कर दो। हो गया फुल, 700 कर दो। तो अपने पास जो फ्यूल आया वो आया 700 रुपये का, पेमेंट करते हैं और निकलते हैं। हाँ, तो फ्यूल अप हो गया, फ्यूल भी आया मेरी गाड़ी में 700 रुपये का। पेट्रोल का रेट ना जो है ना 92 रुपीज़ कुछ समथिंग कुछ पैसे है, तो कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी फुल हो गई, अब थोड़ा सा चलाने में ना फिर चला जाए। और अभिषेक भाई का कॉल आ रहा था, तो अभिषेक भाई से भी मिलते हुए निकलेंगे यहाँ से। और मैं सोच रहा था कि गाड़ी की चैन लीव करनी है तो चैन वॉश करानी पड़ेगी, तो उसके लिए सोच रहे हैं कि चैन वॉश करा लेते हैं। चलो अच्छा है, अपने भाई लोग खाली हैं, चैन थोड़ा सा वॉश करवा लेते हैं। इसी बहाने गाड़ी में पानी भी थोड़ी चमकने लगेगी, पूरी की धूल बैठा हुआ है।
गाड़ी में खाली पानी ही मारे हैं और इतनी अच्छी हो गई गाड़ी यार। चलो अब निकलेंगे, इसको धुलवा के सीधा दुकान जाना है, दुकान चलते हैं। तो हमारी गाड़ी हैंडओवर हो गई, अब चलते हैं। तो चलो शॉप चलते हैं। क्या करने आया था, क्या हो गया? गाड़ी बनाते बनाते ना, गाड़ी का बता रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट आ ही जाता है। चैन टाइट करते हैं ना, जहाँ से जो नट होता है वो नट ख़राब हो चुका। उसके बाद मनोज भाई ने उसको जुगाड़, देसी जुगाड़ किया, उसके बाद बना दिया। अभी फ़िलहाल तो चलेगी, लेकिन वो नट को ऑर्डर करना पड़ेगा। चलो शॉप आ गए हैं, मतलब शॉप पहुँच गए हैं, शॉप में चल के मिलते हैं। इस गाड़ी को थोड़ा सा वॉश करा लिया, चैन टाइट करा लिया, तो थोड़ी सी गाड़ी स्मूथनेस आ गई है। बस इसका क्लच वायर जो है वो मंगाए हैं, अब कब आएगा वो पता नहीं है। और आईने भी नहीं थे इस गाड़ी में, तो आईने भी मंगाए हैं मैंने, आईने दोनों और आ जाएंगे। तो थोड़ी सी गाड़ी क्या स्पोर्टी लुक बनाना चाह रहा हूँ मैं, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें करके बनाऊँगा। उसके बाद अगले बार बता देंगे जब कुछ होगा। तो अभी चलो, अभी शायद फाटक खुला है जिसकी वजह से इतनी लंबी भीड़, लेकिन अच्छा है हम फंसे नहीं, खुली हुई मिल गई, तो हम यहाँ से सीधा डायरेक्ट निकल ही रहे हैं। चलो, वो बच्चे ने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो मुझे जानता है, बट मैं तो नहीं पहचान रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब लगता है कभी कभार किसी को कि ये कैमरा लगा के करता है क्या है आखिर में। तो भैया आपका भैया ना ब्लॉगिंग करता है ब्लॉग। चलो अभिषेक भाई के पास तो पहुंच गए, अब मिलता हूं मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। चलो अब चला जाए घर के लिए, अभिषेक भाई के पास बैठे हुए थे, प्लान बन रहा था। अभिषेक भाई से चर्चा हो रही थी कि गुप्तेश्वर जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन गुप्तेश्वर जाने के लिए कल पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है हो पाएगा। देखते हैं रात भर में, जैसा भी प्लान अगर बन जाता है तो कल आप लोगों को पता चल ही जाएगा। चलो अभी। Many unbearable hours later. गुप्तेश्वर का प्लान का ऐसा हुआ सीन कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कल क्या है, कल शॉप बंद रहेगी नहीं, तो अभिषेक भाई को भी समय नहीं मिलेगा। मुझे पता है, मैं उससे ऐसे पूछा हल्के हल्के में कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे कंफर्म,
तो बोलता है देखते हैं, तो देखते हैं का कोई प्लान नहीं होता है इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे। चलिए अब सीधा घर चलते हैं, घर चल के मिलते हैं। क्या एक चीज़ और बोलना चाह रहा था मैं कि बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं मेरे को, लेकिन वो कमेंट ना मेरे मुझ तक पहुंचते नहीं है। उसका रीज़न क्यों क्या है मेरे को पता है, मैं बता दूं आप लोगों को। मेरे जो वीडियोस हैं उसके कमेंट में जाके अगर आप हैशटैग डालेंगे या किसी भी वीडियो की लिंक को डालेंगे तो वो मुझ तक नहीं पहुँचेगी। ऐसा पूरा सेटअप करके रखा हुआ है हमने, तो कृपया करके लिंक और हैशटैग कमेंट बॉक्स में ना डालें तो अच्छा रहेगा। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करके भी हमसे बात कर सकते हैं, नहीं हो तो इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ है। चलो घर आ गया, घर पहुंचते हैं। पहुंच गए और नैना जी अभी नहीं पहुंची हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, होम स्वीट होम। तो शॉप से तो घर पहुंच गए हैं और नैना जी भी पहुंच गए, मतलब लगा 15-20 मिनट उसके बाद ये पहुंची हैं। तो मैं सोचा खाना बन ही रहा है तो अपन भी ये वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और चलते हैं अपने काम करने की। तो चलिए, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो करना कुछ नहीं है, प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया वीडियो में। बाय, टेक केयर। और जितने भी नए फैमिली के मेंबर आ रहे हैं तो आप लोग भी बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय।